नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने चरक निदान संघ के जो शरीर छह वैद्यां हैं उसके बारे में, आज उनके अनुसार कौन कौन सा रस कौन कौन से वैद्यों के लिए प्रत्यत्निक है, मतलब कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस हम रस उसमें यूज करते हैं, वो बताने के लिए आया। तो फर्स्ट जो है वो ज्वर अध्याय। ज्वर अध्याय में हम देखा जाए तो ज्वर अध्याय के जितने भी कल्प है उसमें मोस्ट प्रोबेबली वहां पे तिक्त रस आया हुआ है। तिक्त रस क्यों आया है? बिकॉज ज्वर की जो चिकित्सा है वो है लंघन। लंघन मतलब लघु, लघु रस जिसमें है, लघु गुण जिसमें है, वो रस है तिक्त रस। तिक्त रस में वायु और आकाश महाभूत है, इसीलिए ज्वर की चिकित्सा मैक्सिमम तिक्त रस से आई है। तो अगर तिक्त रस देंगे तो शरीर में लघुता आएगी और ज्वर की चिकित्सा जाएगी और लघु और आम कम होगा, तो इसीलिए ज्वर में आए हुए जो कल्प है तिक्त रस बनेंगे। उसके बाद रक्त पित्त। रक्त पित्त में डोमिनेंस जो दोष है वो है पित्त। तो पित्त की जो चिकित्सा है वो तीन रसों से की जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ रक्त पित्त। हमें हर एक स्टेज में अलग अलग से रस यूज करने हैं। तो वहां पे तीन रस आते हैं जो कि तिक्त, मधुर और कषाय। सिक्वेल भी ऐसे ही बोला है, तिक्त मधुर कषाय, तिक्त मधुर कषाय। तो वो हमें बताना चाहते हैं कि ओनली पित्त रस की, पित्त दोष की अगर ट्रीटमेंट करनी है तो पहले तिक्त रस यूज करो, बाद में मधुर रस यूज करो, बाद में कषाय रस यूज करो। लेकिन रक्त पित्त में एट केस ऑफ इमरजेंसी हमें यूज करना है कषाय रस। इमरजेंसी में हमें कषाय रस यूज करना है। व्याधि प्रत्यानिक अगर रहेगा, व्याधि प्रत्यानिक में बोल रहा हूँ, तो वहां पे तिक्त रस देना है और संप्राप्ति भंग के लिए हमें मधुर रस देना है। तो वाइस वर्सा, व्याधि प्रत्यानिक और संप्राप्ति अगर कुछ नहीं समझेगा तो हमें इमरजेंसी में कषाय रस देना है, इतना तो याद है। अभी तिक्त और मधुर रस कब देना है हर एक व्याधि में पित्त के अनुबंध में? तो पित्त अगर वात के साथ जाएगा, पित्त अगर वात के साथ जाएगा तो संप्राप्ति अपदर्पण की हो जाएगी। पित्त कफ के साथ जाएगा तो संप्राप्ति संतर्पण की हो जाएगी। जब पित्त वात के साथ जाएगा तो मुझे मधुर रस देना है। अपतर्पण में क्या करना है? मधुर रस देना है। अगर पित्त कफ के साथ जाएगा तो अपतर्पण में मुझे ये संतर्पण में मुझे तिक्त रस देना है। तो तिक्त और मधुर रस पित्त डोमिनेंस रहेगा तो अपतर्पण में मुझे संतर्पण करना है तो मधुर रस यूज करना है, और संतर्पण में मुझे अपतर्पण करना है तो तिक्त रस यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें चिकित्सा करनी है रक्त पित्त के अनुसार पित्त दोष होंगी। ओके, उसके बाद आता है गुल्म। गुल्म में वायु का डोमिनेंस है, तो वायु को डोमिनेंस में वातानुलोमन ये जो प्रॉपर्टी है ये ओनली एंड ओनली एक ही रस में है, वो है अम्ल रस। इसलिए गुल्म में अम्ल रस की हमें यूज करना है। जो भी काढ़े हो देना है आसव अरिष्टम में देव, नहीं तो उसमें हमें भर्जन करके अम्ल रस दे दो, तो उस हिसाब से हमें अम्ल रस यहाँ पे यूज करना है। तो नेक्स्ट है प्रमेह। प्रमेह में बहुत सा श्लेष्मा कफ द्रव ये ज्यादा रहता है और उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो रस है वो है कटु रस, जिसमें कि वो लघु है, वो उष्ण है, वो रुक्ष है। तो ये प्रॉपर्टी वाला जो रस है वो कटु रस है, तो इसीलिए प्रमेह में मैक्सिमम जो कल्प आया है वो कटु रस अपना है। नेक्स्ट आया है कुष्ठ। कुष्ठ में कौन सा रस देना है? तो कुष्ठ अत्यधिक अम्ल रस के, अत्यधिक लवण रस के सेवन से, दोनों भी रस के सेवन से कुष्ठ होते हैं। तो हमें वहां पे गामित्व चाहिए, उस साइड में जाना चाहिए, तो स्वेदकर है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे लवण रस देना है जो कि सूक्ष्म है, वैवाही है, उस हिसाब से हमें लवण रस यहाँ पे यूज करना है। तो लवण रस से कुष्ठ की ट्रीटमेंट में हमें लवण रस यूज होता है। उसके बाद में राजक्षमा। राजक्षमा में हमें जो रस यूज करना है वो सबको पता है कि मधुर रस यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे भ्रूण करना है। तो इस हिसाब से षड रस और छह वैधियां इस हिसाब से यहाँ पे दी हुई है, तो इस हिसाब से हमें वो करना है और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट में हमें इसका फल मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छह ऋतु और उसका अग्रय ये बताने वाला हूँ छह ही वैधियों के। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।